मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की चुनावी सभा में शामिल होकर लौट रहे पुलिस के जवान बस पलटने से घायल हो गए। यह हादसा दतिया में हुआ। बाद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अस्पताल में घायल जवानों से मुलाकात कर और उनका हाल जाना। मुख्यमंत्री मोहन यादव की चुनावी सभा में ड्यूटी पर तैनात एसएफ के जवानों को वापस दतिया लेकर आ रही बस पलट गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सभा दतिया जिले के भांडेर तहसील में थी। बस में सवार 20 जवान हादसे में घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सिविल लाइन्स पुलिस ने घायल जवानों को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। ज्यादा जख्मी जवानों को ग्वालियर रेफर कर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल पहुंचकर घायल पुलिस जवानों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए जवानों का ग्वालियर में उपचार चल रहा है। मेरी जानकारी में आया कि सरकारी ड्यूटी करके बीएसएफ के हमारे जवानों की बस पलटी और बस पलटने से कुछ घायल हुए, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद कुछ लोगों को तो वहीं स्थानीय भांडेर दतिया की ड्यूटी में रखा था। दो पेशेंट गंभीर थे, उनको यहाँ लेके आए। मैंने अभी मिल करके मुलाकात की है, उनके कुशलक्षेम पूछा। इस अवसर पर सरकार गंभीर भी है, हर किसी व्यक्ति की तरह संवेदनशीलता के साथ हमने डॉक्टरों को भी हिदायत दी, प्रशासन को हिदायत दी कि जो योग्य इलाज हो सकता है वो सब इलाज करें। और मेरी जो जानकारी दी गई है कि वो अंडर कंट्रोल है, भगवान सब ठीक करेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।